मारुति सुजुकी की सबसे पॉपुलर कार यानी शिव के स्पोर्ट्स वेरिएंट को भारतीय बाजार में लॉन्च करने का निर्णय चल रहा है। जी हां, इस कार के स्पोर्ट्स वेरिएंट को भारतीय बाजार में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था और इस कार को भारत में पूर्ण रूप से चर्चाओं और सुर्खियों में रखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि अपनी कंपनी आधारित तौर पर ग्लोबल लॉन्च इस कार का कर सकती है। वहीं भारतीय बाजार में इस कार को नए अवतार के साथ भी लाने की प्लानिंग चल रही है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि मार्केट में ब्रांड न्यू शिफ्ट स्पोर्ट्स टक्कर के मुकाबले अन्य कारों को जबरदस्त कड़ी टक्कर और धूल भी चटा सकती है। अन्य कंपनियों की कारों के मुकाबले शिफ्ट स्पोर्ट्स में आपको एक ऐसा इंजन देखने को मिलेगा जो कि पावर्स के मामले में आप सभी को जबरदस्त परफॉर्मेंस भारत की सड़कों पर दिखाने वाला है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि बात कर रहे नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट स्पोर्ट्स की वेरियंट के बारे में। ये नॉर्मल मॉडल से ज्यादा पावरफुल और लग्जरी इंटीरियर और फीचर्स के साथ आप सभी को भारत में दिखाई देने वाली है। इसकी लॉन्चिंग से जुड़ी पहले ही कई खबरें आई थी तथा इस कार को भारत में टेस्टिंग के दौरान भी काफी बार स्पॉट किया गया था। ये नॉर्मल मॉडल के मुकाबले दोस्तों आप सभी को लुक से लेकर फीचर्स के मामले में एक बड़ा अंतर दिखाई इस कार में देने वाला है। तो अगर आप मारुति सुजुकी के शिफ्ट कार के दीवाने हैं तो इस कार के स्पोर्ट्स वेरियंट को जरूर से अपने लिए लेना पसंद करेंगे। अब इस कार की कीमत को लेकर इसकी लॉन्चिंग को कंपनी ने टाल दिया था, यानी सुजुकी का दावा था कि नई शिफ्ट स्पोर्ट्स पूर्ण रूप से 8.1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ पाने में क्षमता रखती है जो कि भारत में काफी ज्यादा तेज मानी जाती है। जी हाँ, यानी इस कार का मुकाबला स्पोर्ट्स कार से भी किया जा सकता है। भारत में अभी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने अपने स्पोर्ट्स आरएस वेरिएंट को भारत में लॉन्च किया है, मगर मारुति सुजुकी की शिफ्ट भारत में अब पहली कार ऐसी होगी जो की आरएस स्पोर्ट्स वेरिएंट के साथ आप सभी को जबरदस्त हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस इंजन के साथ भारत में आने वाली है। मिलेगा 1.4 लीटर का बूस्ट एस इंजन। इंजन तथा पावर की बात करी जाए तो सिर्फ स्पोर्ट्स को पूर्ण रूप से एक ऐसे इंजन के साथ भारत में लाया जा रहा है जो कि वाकई में ही अपने सेगमेंट में एक हैचबैक कार में आप सभी को पहली बार दिखाई दे सकता है। सिर्फ स्पोर्ट्स के इंजन की बात की जाए तो इसमें रेगुलर मॉडल की तुलना में ज्यादा पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, यानी इस कार में 1.4 लीटर का 4 सिलेंडर बूस्ट टेक इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि भारत की सड़कों पर 5,500 आरपीएम पे 138 बीएसपी की मैक्सिमम पावर और 2,500 और 3,500 आरपीएम पे 230 एनएम का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है जो कि वाकई में ही काफी जबरदस्त पिकअप टॉर्क होगा। यानी आप अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि भाइयों इस कार को कितनी जबरदस्त पावर भारत की सड़कों पर मिलने वाली। नेक्स्ट जनरेशन स्पोर्ट्स शिफ्ट के अंदर आप सभी को 5 नहीं बल्कि 6 स्पीड मैनुअली और ईएमटी दोनों विकल्प ऑप्शन गियरबॉक्स देखने को मिलते हैं। माइलेज की पूर्ण रूप से बात करी जाए तो कंपनी का कहना है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन स्पोर्ट्स शिफ्ट इस जबरदस्त वेरिएंट के साथ भारत की सड़कों पर 32 से लेकर 31 किमी के आसपास माइलेज प्रदान कर पाने में क्षमता रखती है जो कि भारत में चल रही कारों के मुकाबले काफी ज्यादा एक वैल्यूएबल अमाउंट है। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं कि ये इंजन इतना पावरफुल है कि गाड़ी को 8.1 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ पाने में जबरदस्त पावर देता है। वहीं इसकी टॉप स्पीड भारत के लिए 210 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है जो कि मेरे ख्याल से तो दोस्तों काफी ज्यादा भारत के लिए तय की गई है। बेहद ही लग्जरी होने वाला है इस कार का एक्सटीरियर लुक तथा डिजाइन की बात करें तो न्यू शिफ्ट स्पोर्ट्स को सुजुकी की हाई टेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है जिस पर मारुति सुजुकी की नेक्स्ट जनरेशन बलिनो भी आप सभी को मार्केट में 2022 में दिखाई दे रही है। इस प्लेटफॉर्म के चलते कार की बॉडी को दोस्तों 70 से 80% तक स्टेनलेस स्टील से अपडेट करते हुए दावे के साथ डिजाइन किया गया है। आप सभी को ये भी बता दूं कि रेगुलर मॉडल की तुलना में आई नेक्स्ट जनरेशन स्पोर्ट्स शिफ्ट की साइज ज्यादा और एग्रेसिव स्टाइल के साथ आप सभी को दिखाई देती है। इसमें एकदम न्यू स्टाइल के ग्रिल ऑप्शन का कंपनी ने इस्तेमाल फ्रंट में किया है जो कि आपको एक स्पोर्टी लुक भारत में बाहर से देखने में मिलता है। इसके साथ ही इस कार में एक पहले पुराने मॉडल की तुलना में बड़ा बम्पर और लोअर साइड स्क्रीन मिरर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं।
कुल मिला के कहें तो दोस्तों इस कार के अंदर एक जबरदस्त लुक आप सभी को देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्विफ्ट स्पोर्ट्स के टायर के साइज को 16 इंच तक बढ़ाया गया है, यानी अब ये पूर्ण रूप से कंफर्ट फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ मार्केट में दिखाई देने वाली है। चारों ही टायर में दोस्तों आप सभी को डिस्क ब्रेक ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो की सेगमेंट के हिसाब से पहली बार स्विफ्ट स्पोर्ट्स में ही दिखाई दे रहे हैं, जो की वाकई में ही अपने स्पीड के लिए भारत में जानी जाती है। कार को देखने में ऐसा लगता है कि ये भारत की पहली मिनी छोटी स्पोर्ट्स कार होने वाली है, जो कि कम बजट के चलते भारत के ग्राहकों के लिए स्पोर्ट्स कार लेने का सपना पूरा करने वाली है। इंटीरियर की बात करी जाए तो स्विफ्ट स्पोर्ट्स को ग्लोबल मॉडल में स्पोर्ट्स स्ट्रीट ऑप्शन के साथ डिजाइन किया गया है। मार्केट में इस कार को अरीना डीलरशिप के द्वारा लाया जाएगा। इस कार में स्पोर्टी सीट्स आप सभी को देखने को मिलती है, जो कि रेगुलर सीट्स के मुकाबले काफी कंफर्ट प्रदान करती है। रेड अपडेट के साथ फ्लैट बोनट स्टीयरिंग ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जो कि स्पोर्टी डिजाइन किए गए हैं। अंदर रेड थीम की बहुत सारी झलक आप सभी को इस कार में दिखाई देती है। कार में दोस्तों आप सभी को एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करता है। दोनों साइड आप सभी को ऑटोमेटिक एसी वेंट्स 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा के साथ आप सभी को फोर ड्राइविंग मोड ऑप्शंस इस कार में देखने को मिलते हैं। कंफर्ट की बात करें तो सीटों को दोस्तों स्पोर्ट्स वाला ही डिजाइन दिया गया है, जैसा कि आपने स्पोर्ट्स कारों में देखा है, जिसके कारण आप सभी को कार में और भी ज्यादा कंफर्ट आता है और आप अपनी राइड को आसानी से कम कर सकते हैं। साथ ही साथ दिखने में दोस्तों इंटीरियर के मामले ये कार आप सभी के बजट सेगमेंट में एक बेहतर प्रीमियम इंटीरियर के साथ आने वाली। सुजुकी स्विफ्ट स्पोर्ट्स के डायमेंशन और सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो इस कार की लंबाई भारत में 3,890 mm, चौड़ाई की बात करें तो 1,735 mm और ऊंचाई की बात करें तो 1,499 mm। व्हील बेस भारत में इस कार का 2,450 mm होने वाला है। सेफ्टी फीचर्स के तौर पे ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट मानकों के तहत कार को पूरे 4.6 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। फ्रंट पे 4 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा मिलती है। एबी टेक्नोलॉजी के साथ एबीएस को शामिल किया गया है। स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे के साथ IFS ऑफिशियल लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल से लेकर क्लाइमेट कंट्रोल, टेक्शन कंट्रोल जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट इस कार में देखने को मिलती है। बाकी सीट बेल्ट रिमाइंडर से लेकर छोटे मोटे नए बदलाव इस कार में आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपका बजट काफी कम है और एक स्पोर्ट्स कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो स्विफ्ट स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से एक बेटर विकल्प ऑप्शन होने वाला है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करी जाए तो मार्केट में इस कार को हम सभी के लिए मई तक लॉन्च किया जा रहा है, यानी अगले महीने इस कार को रिवील भारत में कर दिया जाएगा। कीमत की बात करें तो मार्केट में इस कार की स्टार्टिंग कीमत 6.70 लाख रुपीस एक्शन प्राइस होने वाली है और साथ ही टॉप वेरिएंट की बात करें तो 9.80 लाख रुपीस एक्शन प्राइस तक जाने वाली है। तो यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार को एक बजट सेगमेंट के हिसाब से डिजाइन किया गया है, यानी अगर आप एक स्पोर्ट्स कार लेने का प्लान कर रहे थे, आपका 10 लाख से कम का बजट है, तो ये कार आप सभी के लिए बेटर विकल्प ऑप्शन होने वाली है। कंपनी ने प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है, बुक करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।